डांस करने वाला या माइकल जैक्सन को पसंद करने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनके जाने माने डांस स्टेप की नकल करने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन 1987 में जारी म्यूजिक वीडियो स्मूथ क्रिमिनल में माइकल जैक्सन ने जो डांस स्टेप किया था वो करना किसी के लिए आसान कतई नहीं है। इस स्टेप में माइकल जैक्सन सीधे खड़े रहते हैं और वो उसी मुद्रा में अपने शरीर को 45 डिग्री कोण में आगे की तरफ झुकाते हैं। वैज्ञानिक हमेशा से इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि माइकल जैक्सन ऐसा कैसे कर पाते थे। दरअसल न्यूरोसर्जनों की एक टीम ने जैक्सन के इस डांस स्टेप का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि उनके डांस का राज उनके जूतों में था जो उनके पैरों को ज़रूरी ताकत देता था। जर्नल ऑफ न्यूरोसर्जरी में प्रकाशित अपने शोध में मंजुल त्रिपाठी और चंडीगढ़ के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल रिसर्च के उनके साथी कहते हैं कि कई अच्छे डांसर जिनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं वो भी इस स्टेप को करते वक्त केवल 25 या फिर अधिकतम 30 डिग्री कोण में ही झुक सकते हैं, लेकिन माइकल जैक्सन इस स्टेप में 45 डिग्री कोण आसानी से बना लेते थे। किसी ने उनकी नकल करने की कोशिश भी की तो उन्होंने महसूस किया होगा कि ऐसा करते वक्त टांगों में पिछले हिस्सों की मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर उतना दबाव नहीं पड़ता। मंजुल त्रिपाठी कहते हैं कि इस कारण माइकल जैक्सन की सबसे बेहतर नकल करने के लिए आगे की तरफ ठीक उनकी तरफ झुकना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जैक्सन के लिए ऐसा करना आसान था क्योंकि उनके लिए इस कारनामे को अंजाम देने के लिए खास प्रकार के जूते थे। उनके जूतों में वी आकार का टुकड़ा लगा होता था जो जमीन से निकली एक कील के पर ठीक से फिट हो जाता था। इस कारण जैक्सन सामने की तरफ आसानी से झुक पाते थे, लेकिन इससे पहले उन्हें ऐसा करने के लिए कमर पर बांधने वाली सुरक्षा रस्सियों की जरूरत होती थी। माना जाता है कि माइकल जैक्सन और बॉलीवुड में काम कर चुके उनके दो साथी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए खास जूतों से प्रेरित थे। ये जूते किसी भी सतह पर आसानी से चिपक जाते थे और शून्य ग्रेविटी की स्थिति में भी किसी व्यक्ति को सतह पर रखने में मदद करते थे। हालांकि जानकार मानते हैं कि ऐसे जूतों के साथ भी शरीर को एक कोण पर कुछ देर के लिए रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी टांगों, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों की मजबूती की जरूरत होती है। जानकारी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।